TrickyExpress.com. Create video online. हेलो गाइस, मैं हूं भीम और आप देख रहे हैं ट्रिकी नंबर वन। तो ट्रिकी नंबर वन में स्वागत है हर भाई हर बहन का आपके अपने चैनल ट्रिकी नंबर वन पर। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे अलग आज का न्यूज़ है जिसे सुनकर आप बहुत ही खुशी हो जाएंगे। तो जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहने की ज़रूरत है। तो थंबनेल पे आपको लिखा होगा कि BCS के रिजल्ट आने का तरीका बदला। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं आप कि BCS का जो रिजल्ट था उसका आने का सिस्टम चेंज हो चुका है। ये सभी भाई सभी बहन सभी व्यूअर्स जान लें। तो आज की इस वीडियो में हम ये आपको बताने वाले हैं कि आपका जो BCS का रिजल्ट है उसका आने का क्या सिस्टम बदल चुका है, क्या अपडेट है, कैसे अब रिजल्ट आएगा, कैसे आपकी सिलेक्शन होगी, कैसे आपकी ट्रेनिंग होगी। इन सभी बातों को लेकर आज की इस वीडियो में डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिस्टम है एक अपडेट निकल कर आई है। अधिकारियों से मिलने के बाद, वार्ताचार करने के बाद कुछ परिणाम निकल कर आए हैं। उस परिणाम को आज हम आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपका जो BCS का रिजल्ट है वो भैया कहाँ से देख पाएंगे, आप कैसे देखेंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। जैसा कि सब कुछ थंबनेल पर दिख रहा होगा कि क्या इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो गाइस, वीडियो शुरू कर लेते हैं और आपको पल पल की पूरी अपडेट देते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी स्कीम, सरकारी योजनाएँ या फिर समाज के हित में जो भी अभियान सरकार की तरफ से लॉन्च की जाती हैं सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे अच्छे तरीके से मिलती हैं। सो गाइज, आप हमारी बातों को समझ गए होंगे और मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा। तो चलिए अब ज़्यादा बातें ना करते हुए आपको ले चलते हैं आज की जो इन्फॉर्मेशन है BCS की बहनों के लिए। तो वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी अपडेट बताते हैं। सो गाइज, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपका जो BCS का रिजल्ट है वो अब किस प्रकार से आएगा, किस पैटर्न पे आएगा और कैसे आप रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी खबर जो ये निकल कर आ रही है कि आपका ये राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आपका ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और सिलेक्शन की जो प्रक्रिया थी इसी के अंतर्गत चल रहा था। यानी कि आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत आपकी यानी कि हमारी जो BCS की बहनें हैं इनका चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया होनी थी, बट ये अब प्रशिक्षण की प्रक्रिया चेंज हो चुकी है। थोड़ा सा एक आपका नया मोड़ आ चुका है और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो नया मोड़ क्या आ चुका है। तो आपका जो BCS का एप्लीकेशन था उस पर तो आपका इन्फॉर्मेशन मिलेगा ही, साथ में कुछ नई अपडेट आ गई है। उस अपडेट को हम बताने वाले हैं कि अब आपका रिजल्ट की प्रक्रिया क्या होगी। काफ़ी भाइयों ने, काफ़ी बहनों ने कमेंट किया था कि सर वेबसाइट बताइए कहाँ से डाउनलोड किया जाए इसका फाइनली लिस्ट, कि कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है। इसी अपडेट के चक्कर में जब हमने अधिकारियों से वार्तालाप किया, कुछ उनसे चर्चा किया, तो बात सामने निकल कर आ चुकी है। तो उन्होंने बताया कि भाई अब आपकी किसी भी वेबसाइट पर रिजल्ट नहीं आएगी। जब उनसे पूछा गया क्यों, तो उन्होंने बताया कि आपका जो ये आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रोग्राम चल रहा था BCS सिलेक्शन का, इसको अब एक NGO के तहत दे दिया गया है। NGO का मतलब क्या होता है हम आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं, अभी आपके सामने पूरा डिटेल्स आ जाएगा कि NGO का मतलब क्या होता है। सो गाइज, आपको बता दें कि आपका ये जो सिस्टम था जो NRLM के तहत था, यानी कि ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत चल रहा था, वो चीज़ अब क्या हो गई आप लोगों की NGO के तहत हो गई। यानी कि इस NGO एक संस्था होती है जो आपके प्रशिक्षण का पूरा मतलब जिस सिस्टम का जो है पालन करेगी, कैसे किसको क्या करना है पूरी अपडेट देगी, यानी कि जो भी सिस्टम होगा वो अपने हिसाब से करेगी, कितने दिनों में किसका सिलेक्शन करना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, सब कुछ प्रक्रिया कराएगी। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि जब ये NRLM के अंतर्गत हो रहा था तो बहुत स्लो मोशन में हो रहा था। यानी कि आपका रिजल्ट कब आएगा, कब ट्रेनिंग होगी, बहुत ही स्लो मोशन में था। बट आप लोगों के लिए अच्छी खबर ये है कि NGO के तहत होने के बाद आपकी सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है, जो ट्रेनिंग की स्पीड है, बहुत तेज़ हो जाएगी। यानी कि आपका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जब आपने एप्लीकेशन को आवेदन फिल किया था या फिर BCS की एप्लीकेशन पर फार्म को भरा था, तो उसमें जो मोबाइल नंबर आपने दिया था या फिर रखा था या फिर जैसे भी करवाया था, वो मोबाइल नंबर एक्टिव रहना इस समय बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपके मोबाइल नंबर पर ही मिलेगी। आपको मोबाइल नंबर से कॉन्टेक्ट किया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा मैसेज के माध्यम से। सो गाइस, मेरा यही कहने का मतलब है कि अब सिलेक्शन की प्रक्रिया होगी तेज़, और आपके जितने बहनों का जो है रिजल्ट नहीं आया है उन्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी रिजल्ट अब बहुत ही जल्द आने वाली है, और वो भी आपको सूचना मिलेगी आपके फ़ोन नंबर पर यानी कि मोबाइल पर। सो गाइज, मोबाइल को अपने ऑन रखिए ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो आपको बरोबर मिलती रहे, और आप हमारे संपर्क में रहिए, चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, क्योंकि जो भी अपडेट होती है हम आपको तुरंत इन्फॉर्मेटिव देते हैं। तो सो गाइज, आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, आपने पूरी बात समझ लिया होगा। मैं आपसे यही बता रहा था कि भाई आपकी अब जो है रिजल्ट, यानी कि रिजल्ट जो देखना था, आप जो कमेंट कर रहे थे कि सर कोई ऑफिशियल वेबसाइट बताइए, तो उसी सिलसिले में हमने जब बात किया तो वहाँ से पता लगा कि आपका रिजल्ट अब किसी वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, ना सिलेक्शन लिस्ट दिखेगी। अब ये एनजीओ के तहत हो गई है, और एनजीओ वाले अपना एक संगठन होता है खुद का, वो अपने हिसाब से करेंगे और वो बहुत ही जल्दी आप लोगों का काम करेंगे, यानी कि सिलेक्शन करके दे के तैनाती देंगे, और वेतन पेमेंट जो भी प्रक्रिया होगी आपको फटाफट सब कुछ होगा। बस उसके लिए ज़रूरी है कि आपको अपना मोबाइल नंबर ऑन रखना होगा। चलिए अब आपके होम स्क्रीन पर ला के दिखा देते हैं जो एनजीओ का मतलब होता है, एनजीओ का क्या मतलब होता है हम आपको दिखाते हैं आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं एनजीओ का मतलब क्या होता है, इस चीज़ को पहले आप जान लीजिए। तो आपके डेस्कटॉप पर दिख रहा होगा कि एनजीओ का फुल फॉर्म यानी कि गैर सरकारी संगठन, इसका मतलब होता है या ना तो सरकारी होता है और ना ही किसी राजनीतिक दल का हिस्सा होता है, यानी कि पारंपरिक लाभ का व्यवसाय नहीं होता। इसलिए कुछ समय एनजीओ का अर्थ गैर लाभ संगठनों से यानी कि एनपीओ के रूप में जाना जाता है, और इस प्रकार का संगठन वरिष्ठ नागरिक, बच्चों, गरीबों, पर्यावरण आदि के संरक्षण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये यानी कि ये जो आपका है NRLM के तहत, ये समाज के कल्याण के लिए है, इस वजह से इसको जो है एक NGO के तहत सौंप दिया गया है, और वो अपने हिसाब से इसको मैनेज करेगा। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और NGO फाउंडेशन जो होता है आमतौर पे आम नागरिक के समाज में सुधार के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप NGO के मतलब समझ गए होंगे। यह एक गैर सरकारी संगठन होता है, आप देख पा रहे हैं सीधे सीधे आपको लिखा गया है NGO का मतलब। तो यानी कि आपको जो है अब आपके रिजल्ट आने में तीव्रता पाई जाएगी, यानी कि जल्द से जल्द आएगी, जो आपके प्रॉब्लम्स थे सभी सॉल्व हो गए होंगे इस वीडियो के देखने के बाद, और आपके मन में जो भी प्रश्न होंगे आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, आपको जवाब ज़रूर मिलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, आई होप आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, तो अपने विचार ज़रूर दीजिएगा और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।